हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोस सेक्शन का चैप्टर नंबर 8, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जितनी भी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, तो सारे बच्चे आंसर दीजिए एक साथ कौन सा करेक्ट होगा। द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज़ जनरली, जी हाँ, जो न्यूज़ जो होते हैं न्यूज़पेपर में वो जनरली सामान्य कैसे होते हैं, यानी टू द पॉइंट या समवाट चेंज या कम्प्लीटली चेंज्ड या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट होगा एक नंबर का, तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी समवाट चेंज। जी हाँ, जो न्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में वो क्या होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी जो टॉपिक से थोड़ा सा वो चेंज होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ट्रू, बी में आपका है नॉट ट्रू, सी में आपका है कैन नॉट बी सेड, डी में आपका है नन ऑफ दी। जी हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, यानी जो प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट और जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स होते हैं वर्तमान मामलों से वो खुश नहीं है, ये ट्रू है नॉट ट्रू है क्या, कैन नॉट बी सेड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या है ये बात सत्य है, जो प्रतिष्ठित और जो सम्मानित जो जर्नलिस्ट हैं और जो रिस्पॉन्सिबल जो एडिटर्स हैं वो आज के जो मामले में है, वर्तमान जो मामले हैं उससे वो खुश नहीं है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में द प्रेस इंजॉयज द, जी हाँ, जो प्रेस है वो आनंद लेता है किसका, यानी बोल्डनेस ऑफ पब्लिक या द हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक या आइडलनेस ऑफ द पब्लिक या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। जी हाँ, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो प्रेस जो आनंद लेता है वो जनता की लाचारी का। जी हाँ, यानी द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सारे बच्चे आंसर बताते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर होगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, जी हाँ, जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो पॉपुलर डेली का जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा, यानी टू चीफ फैक्टर्स या थ्री चीफ फैक्टर्स या फोर चीफ फैक्टर्स या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी जो टू चीफ यानी जो मेन जो दो चीफ फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है द एडिटोरियल पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपको 2019 के यानी सेट सी में LSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कवर करते चलेगा और आंसर कमेंट में बताते चलेगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, आइडली सर्क्यूलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, जी हाँ, तो मैं इसका मीनिंग बता दूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, किसके निहित स्वार्थ के कारण व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार सार्वजनिक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करता है। जी हाँ, यहाँ पे बताने हैं आपको कौन सा होगा, यानी द गवर्नमेंट या एडिटर या रिपोर्टर या एडवर्टाइजर्स, यानी द एडवर्टाइजर्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, यानी विज्ञापन दाताओं, तो एडवर्टाइजर्स का मीनिंग क्या होता है, यानी विज्ञापन दाताओं के निहित स्वार्थ के कारण व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार पत्र सार्वजनिक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में सारे बच्चे आंसर दीजिए, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्टसी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन द सेल्स या एडवर्टाइजर्स या सेलर्स या नन ऑफ दीज। चलिए तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यानी एक करेक्ट हो जाएगा, यानी द सेल्स। जी हाँ, यानी कोई भी न्यूज़पेपर अगर वो यानी डिपेंड रहेगा किस पे, यानी सेल ऑफ द पेपर करप्टसी है वो बढ़ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए आंसर आप लोग, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाई, जी हाँ, जो पॉलिसी है न्यूज़पेपर का वो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, द गवर्नमेंट द पब्लिक द प्रोप्राइटर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द प्रोप्राइटर यानी मालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर, जी हाँ, जो ऑथर जो है यानी कुछ
फॉर्म्स दिया है किसका, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर का, दे आर यानी कितने हैं वो, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 6 हैं। यहाँ पे आपका 8 का आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कितने मिस रिप्रेजेंटेशन बताया उन्होंने, 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, डोरोथी एल सेयर्स वॉज बोर्न इन, जी हाँ जो डोरोथी एल सेयर्स है ये हमारे इस चैप्टर के यानी इस लेसन के राइटर हैं, वो कब पैदा हुए, 1863, 1873, 1883 या 1893। यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1893 ईस्वी को पैदा हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, सी डाइड इन, जी हाँ जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं वो की लेडीज़ हैं, वो कब मरी, तो आपको बताने हैं 1967, 1957 या 1977 या 1987। तो यहाँ पे आपका 10 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर भी यानी 1957, 1957 ईस्वी को मर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, शी वॉज एजुकेटेड, जी हाँ वो कहाँ से एजुकेटेड, कहाँ से वो पढ़ी लिखी थी, यानी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो एजुकेट हुई थी, यानी वहीं पे वो उन्होंने पढ़ा लिखा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, जी हाँ यानी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यानी नॉट नेसेसरी या नेसेसरी या डेंजरस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ यानी जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो क्या है, नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, जी हाँ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो यानी प्रतिबंधित किया जाता है ड्यूरिंग यानी किसके दौरान, यानी पीस के दौरान या वॉर के दौरान या एपिडेमिक या नन ऑफ दी, जी हाँ यानी जब वॉर टाइम होता है तो उस समय जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसमें क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, द स्टेट इज द, जी हाँ द स्टेट जो स्टेट है वो क्या है, मास्टर ऑफ द पीपल या सर्वेंट ऑफ द पीपल या एक्सप्लोइटर ऑफ द पीपल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ जो स्टेट है वो क्या है, सर्वेंट ऑफ द पीपल यानी लोगों का क्या है, ये गुलाम है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और आप लोग क्लास में यानी कमेंट जरूर कीजिएगा जो क्वेश्चन यानी करेक्ट है। चलिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जी हाँ तो क्या है वो, ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, बोथ या नन ऑफ दीज, जी हाँ तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन है वो क्या हो जाएगा, हमें आपका बोथ हो जाएगा, जी हाँ यानी ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज रिटन बाई, जी हाँ जो हमारा लेसन है आज का, हाउ फ्री इज़ द प्रेस वो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी, एच ई बेट्स या डोरोथी एल सेयर्स या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डोरोथी एल सेयर्स हमारे राइटर हैं इस लेसन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में, डोरोथी एल सेयर्स हैज़ रिटन द लेसन, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है, आई हैव ए ड्रीम या हाउ फ्री इज़ द प्रेस या द अर्थ या ए चाइल्ड इज बोर्न। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सारे बच्चे आंसर बताइए, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, जी हाँ जो सेंसरशिप है वो इम्पोज यानी लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है सेंसरशिप, इलेक्शन के दौरान या पीसफुल टाइम के दौरान या इमरजेंसी या नन ऑफ दी, जी हाँ जब इमरजेंसी होती है तो उसी समय क्या होता है, सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है यानी लगाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, जी हाँ तो कौन केयरफुल है, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स या पॉलिटिशियंस। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, जी हाँ जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या होते हैं यानी केयरफुल होते हैं, सावधान होते हैं, नॉट टू एंटागोनाइज यानी प्रेस यानी प्रेस का विरोध न करने के लिए वो क्या होते हैं, केयरफुल होते हैं, जी हाँ वो कभी भी जो प्रेस होते हैं उसका कभी भी विरोध नहीं करते हैं वो। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, जी हाँ तो कौन है, मास्टर ऑफ द पीपल नहीं है लेकिन वो क्या है, सर्वेंट ऑफ द पीपल है, स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज या डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हम लोगों ने पढ़ा स्टेट क्या है, ये सर्वेंट ऑफ द पीपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21।
क्या 21 में ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वर्थ डैश ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, एक जो फ्री प्रेस होता है और जो फेयर प्रेस होता है वो ट्रू क्या होता है, वॉच कैट होता है या वॉच बर्ड होता है या वॉच डॉग होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जी हाँ, जो एक फ्री एंड जो फेयर प्रेस होता है वो एक ट्रू वॉच डॉग होता है, किसका, यानी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन 22 में, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज। जी हाँ, जो फर्स्ट चीफ सोर्स यानी जो मुख्य साधन है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का यानी इनकम का, वो क्या है, डोनेशन या डेट या ग्रांट बाय द गवर्नमेंट या एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो चीफ जो सोर्स है रेवेन्यू का वो क्या है, एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन 23 में, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। जी हाँ, जो कौन सा प्रेस है जो क्या है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में है और बिल्कुल सिंगुलरली वो क्या है, फ्री है। यूरोपियन प्रेस या ब्रिटिश प्रेस या इंडियन प्रेस या चाइनीज प्रेस, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा यानी ब्रिटिश प्रेस। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में, द सेकेंड चीफ सोर्स। जी हम लोगों ने फर्स्ट चीफ सोर्स पढ़ लिया, अब सेकेंड बताने हैं आपको कौन सा सोर्स है यानी न्यूज़पेपर रेवेन्यू का, डेट या डोनेशन या वेल्थ ऑफ ऑनर या ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी द वेल्थ ऑफ ऑनर, ये क्या है, सेकेंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। जी हाँ, जो कौन है जो यानी रेपुटेशन बना भी सकता है यानी प्रतिष्ठा बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, टीचर, प्रेस मैन या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी प्रेस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई द डैश चीफ फैक्टर्स। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो जो पॉपुलर डेली का वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, यानी वन चीफ फैक्टर्स या टू चीफ फैक्टर्स या थ्री चीफ फैक्टर्स या फोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी टू चीफ फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। चलिए तो हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने पूरा क्लास किया तो आपको क्लास करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।